नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, और स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग जॉब सीकर्स हैं, जो जिन्हें जॉब की तलाश है, या जो प्रोफेशनल्स हैं और अपना CV बायोडाटा बनाना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कहाँ बनाएँ, कैसे बनाएँ, क्या फॉर्मेटिंग रखें, किस तरीके से, तो उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही कमाल का ऐप लेकर आए हैं जिसमें कि काफ़ी सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी चीज़ें, जो भी इनपुट्स वहाँ पर पोस्ट करते जाएंगे, वो अपने आप टेम्पलेट की फॉर्म में डिज़ाइन होता जाएगा। ये किस तरीके से काम करेगा दोस्तों, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर लिखना है प्रोफेशनल रिज्यूम। आप ये देख पा रहे होंगे प्रोफेशनल रिज्यूम करके, और ये जो ऐप है काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों। 500K डाउनलोड्स मिल गए हैं इसको अभी तक, और 4.8K जो है इसकी रेटिंग दी गई है। आप इसको इंस्टॉल कीजिए और ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों ये देखिए, प्रोफेशनल रिज्यूम बिल्डर CV रिज्यूम टेम्पलेट्स ये ओपन हो गई है। और क्योंकि ये फ्री है तो यहाँ पर एड ब्रेक जो आते हैं ये हम कोई दिक्कत नहीं है इनसे। तो दोस्तों आप ये ऊपर देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने एक रिज्यूम बनाया है, मैं पहले आपको ये ओपन करके व्यू करके दिखा देता हूँ। आप देखें, ये दोस्तों जितनी भी आपको टेम्पलेट दिख रही हैं, आप जो भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में मेरा रिज्यूम आपको शो होने लगेगा। मैं आपको रैंडमली दिखा देता हूँ, जैसे मैं ये 4th टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए जैसा वहाँ दिख रहा था ये आपको यहाँ दिख जाएगा। ये आप नाम देख सकते हैं, और ईमेल ID, ऑब्जेक्टिव्स, स्किल्स, इंटरेस्ट, लैंग्वेज। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस, कहाँ आप पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है। इवन आप अपने डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं टेम्पलेट चेंज कर दूँ और दूसरी टेम्पलेट लूँगा, तो देखिए ये दूसरी टेम्पलेट में ये फ़ोटो, यहाँ नाम, इस तरीके से ये अलग अलग डिज़ाइन आपको हैं। नीचे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे थीम हैं। आप कलर चेंज करना चाहें इस टेम्पलेट का तो यहाँ आसानी से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें ये इस तरीके से आप यहाँ कलर कर पाएंगे। सेंड कर सकते हैं दोस्तों, किसी को प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में, और ये जो है एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से डाउनलोड हो गया है। आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं किसी को भी व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू। अब दोस्तों ये जो भी ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, इंटरेस्ट, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब जो मैं लेकर आया, ये कैसे आपको करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बना हुआ है, मुझे दूसरा बनाना है, तो मैं यहाँ प्लस का सिंबल जो आपको नीचे दिख रहा है मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करते ही देखें आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव, रेफरेंस, प्रोजेक्ट, और कुछ सेक्शंस और ऐड करने की कहानी है। तो हम यहाँ एक आपको बना के दिखा देते हैं। पर्सनल डिटेल्स में हम जाते हैं और यहाँ पर हम जो है नाम लिख देते हैं अपना, ये हमने नाम लिख दिया है। एड्रेस आप ऑप्शनल लिख सकते हैं, जो भी आपको एड्रेस लिखना हो। ईमेल आईडी भी जो है आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ जो है आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, इसी के साथ डेट ऑफ बर्थ, वेबसाइट देना चाहें, और यहाँ ऊपर जो आपको टिक का सिंबल दिख रहा है यहाँ से मैंने पर्सनल डिटेल भर दी है। एजुकेशन भरना चाहें, कॉलेज, डिग्री, आप सब यहाँ पर भर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो भी लिखते जाएंगे उस तरीके से यहाँ पर आपको चीज़ें जो है दिखती चली जाएंगी। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखना चाहें तो आप यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। ग्रेड स्कोर आप जो भी लिखना चाहें, ईयर लिखना चाहें ईयर लिख दीजिए, और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। एक्सपीरियंस लिखना चाहते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और ये मैं अभी ऐसे आपको कंपनी का नाम लिख देता हूँ, जॉब टाइटल, ये जॉब टाइटल लिख दिया है मैंने। और डेट आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर जो भी डेट देंगे वहाँ से शुरू हो सकता है, एंड हो जाएगा, हम इसको सेव कर देते हैं। स्किल्स आप लिख सकते हैं दोस्तों, और स्किल्स आप लिखते जाएंगे, जैसे कि यहाँ लिख देते हैं, यहाँ सैंपल ले लेते हैं, यहाँ गुड लिख दिया है, ऐड करके यहाँ लिख देते हैं। और ये मैं इस तरीके से, और भी आपको और भी लिखना है तो आप ऐड करते चले जाइए, यहाँ आप सेव कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, टू कवर, टू लर्न, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें।
नीचे लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट एड मोर सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्ट, लैंग्वेज, अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़, पब्लिकेशन, सिग्नेचर, तो मैं आपको दो चीज़ दिखा देता हूँ, इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रिकेट ऐड कर दें, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी सेकंड डिटेल हो जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पर और भी ऐड करना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं, सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ऐड मोर सेक्शन में जाने के बाद सिग्नेचर कैसे करना है, तो आप जैसे ही यहाँ सिग्नेचर को इनेबल करेंगे, देखिए ये विंडो ओपन हो गई है और यहाँ पर मैं ये सिग्नेचर कर देता हूँ, ये सिग्नेचर हो गए हैं। आप नीचे रीसेट कर सकते हैं, गलत हो गया है तो फिर से बनाना चाहें तो आप यहाँ मान लीजिए मैंने ये सिग्नेचर बना दिए हैं और मैं सेव कर देता हूँ। मैंने सेव कर दिया है, सिग्नेचर भी आ गए हैं। नीचे दोस्तों एक सेक्शन दिया हुआ है रीअरेंज और हेडिंग्स का, ये करता क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव को, एक्सपीरियंस को, किस चीज़ को आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, कौन सी चीज़ ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, आप थोड़ी देर उसको होल्ड करिए। मैं चाहता हूँ पर्सनल डिटेल मेरी सबसे ऊपर हो, तो आप इसको होल्ड करिए और होल्ड करने के बाद जो है आप इस तरीके से इसको लेकर जा सकते हैं। ये ऊपर आ गया है, अब मैं इसको, ये रीअरेंज हो चुका है। अब दोस्तों जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है लिखा हुआ व्यू सीबी, यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ टेम्पलेट मांगी जा रही है। टेम्पलेट में आप बता दीजिए आपको कौन सी टेम्पलेट चाहिए और आप जो भी टेम्पलेट क्लिक करने वाले हैं, मैं 7वें नंबर की टेम्पलेट को क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये मैंने कर लिया है, यहाँ नाम आ गया है, ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, स्किल्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और जो मैंने यहाँ साइन बनाए थे वह साइन भी आ गए हैं। दोस्तों यहाँ फ़ोटो नहीं आई हैं क्योंकि हमने वहाँ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन में फ़ोटो स्किप कर दी थी, तो हम अभी वहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। या पर्सनल डिटेल में नीचे देखिए लिखा हुआ है फ़ोटो ऑप्शनल, तो आप जैसे ही जाएंगे दोस्तों और आप जो भी फ़ोटो यहाँ से लगाना चाहें आप फ़ोटो लगा सकते हैं। और फ़ोटो जो है यहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आप इसको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ये फ़ोटो आ गई है, मैंने सेव कर दिया है। अब मैं व्यू सीबी पर जैसे ही क्लिक करूँगा और मैं जो भी सीबी यहाँ 7वें नंबर की सीबी को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए फ़ोटो आ गई है, नाम आ गया है, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। ये इस तरीके से दोस्तों प्रोफेशनल रिज्यूम बनता चला जाएगा। आपको डेटा सिर्फ इंसर्ट करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और इसकी थीम भी बदल सकते हैं जैसे थीम आप चाहते हैं, कलर्ड अगर आप निकालना, या जब हम ऑनलाइन किसी को ई कॉपी हमारे कह सकते हैं बायोडाटा की सेंड करते हैं, तो इस तरीके से ये कुछ कलर्स हैं प्रोफेशनल, इन कलर्स को आप रख सकते हैं और आपके सीबी को इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं जो कि बहुत ही कम समय में दोस्तों बन सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसे इस ऐप को यूज़ करना है, कैसे सीबी बनाना है, बायोडाटा बनाना है, ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर आप फिर से अपना खुद का प्रोफेशनल सीबी बना सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, परिवार में रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, सभी को बताइए कमेंट के माध्यम से कैसा आपको ये वीडियो लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।